हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, तो मेरे न्यू व्लॉग में आज आते हैं हम देखने के लिए। जय हो प्यारे जी महाराज। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यहाँ पे मेले का व्यू दिखाऊंगी, जो छठ के दौरान यहाँ पर हमारे गांव में मेला लगा हुआ है प्यारे जी महाराज का। तो दिन में हम लोग मेले में घूमने नहीं गए थे, हम लोग इवनिंग के टाइम ही गए थे। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का व्यू है। काफ़ी सारा सामान यहाँ देखने को मिलता है, बहुत छोटे छोटे आइटम्स थी, टॉयज़ थे, किचन आइटम्स थी, डेकोरेशन आइटम्स थी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि मेला किस तरीके से यहाँ लगा है। ये देखिए, ये हम अपने यहाँ कुल देवता के मंदिर आ गए हैं प्यारे जी महाराज के। तो यहाँ पे भी लाइटिंग और डेकोरेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि इस दिन यहाँ पे प्यारे जी का मेला होता है छठ के दिन। और मेरी जेठानियाँ और मैं भी यहाँ पे जा रहे थे मेले में, तो सोचा क्यों ना हम यहाँ पे एक सेल्फी ले लें। तो हम लोग रुक के सेल्फी लेने लग गए थे, उसके बाद हम यहाँ पे मंदिर में जाने के लिए आ गए थे। ये देखिए, तो यहीं पे बाहर ही प्रसाद मिल जाता है, इनके प्रसाद में कुछ ज़्यादा नहीं पैसा कुछ चढ़ता। आपकी श्रद्धा है वो तो आप कोई भी मिठाई ले जा सकते हो, बट यहाँ पे जो खील और मीठे मुरमुरे होते हैं वो ही ले जाए जाते हैं। तो हम लोगों ने यहीं से प्रसाद ले लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अंदर मंदिर में जा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे दर्शन करवाते हैं। आ जाइए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर का व्यू, पूरा ही मंदिर परिसर है ये, और कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, पूरा लाइटिंग है। और शाम के टाइम हम लोग आए थे, तो इस टाइम तो सारे श्रद्धालु यहाँ पे जा चुके थे, तो हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं और काफ़ी खुले तरीके से हम लोगों ने पूजा की यहाँ पे। तो सारी फैमिली हमारी अंदर मंदिर में जा चुकी है, बट मैं आपको यहाँ मंदिर का व्यू दिखाने के लिए पूरी वीडियो अभी कवर कर रही थी। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर मंदिर में। ये देखिए, ये हैं हमारे प्यारे जी महाराज और बहू जी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन्हीं का यहाँ पे मंदिर है। बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे प्यारे जी महाराज की। ये देखिए, यहाँ पे जो इनकी खाट लगाई हुई है उस पर यहाँ चद्दर चढ़ाई जाती है, तो सभी अपनी मनोकामना पूरी होने पर या फिर जैसे भी यहाँ पर आते हैं तो सब चद्दर लेके आते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे चद्दर बिछाई जाती हैं। ये यहाँ के महंत जी हैं, बहुत पुराने हैं, तो इनका भी हम आशीर्वाद ले रहे थे यहाँ पे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही हम अपने आप को ये कहेंगे कि हमारा इतना अच्छा सौभाग्य कि इतने खुले दर्शन हुए छठ के टाइम पे, वरना छठ वाले दिन तो यहाँ पे इतने खुले दर्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दिन का व्यू मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो इस टाइम पे हम लोग पूरी फैमिली आए थे और अच्छे से पूजा करी, सबने अपना आशीर्वाद लिया, पूजा करी, बच्चे भी बहुत खुश थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दर्शन करने के बाद जब हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं तो पीठ दिखा के नहीं जाते हैं भगवान को, तो इस तरीके से पीछे जाया जाता है। तो मैं इसीलिए उल्टा चल रही हूँ, क्योंकि जब आप दर्शन करके निकल रहे हैं तो आप भगवान को पीठ दिखाकर ना जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये देखिए, अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा था बच्चों का, क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी थी यहाँ।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आगे और भी रेसिपी और भी ऐसी कहीं घूमने जाने की जगह जो होंगी मैं कंटिन्यू रखूँगी आपके लिए वीडियोस। तो प्लीज़ चैनल्स पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जय हो श्री प्यारे जी महाराज। बाय बाय फ्रेंड्स।